हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 3 इन क्लास 7th मैथमेटिक्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बेटा, चैप्टर का नेम है हमारा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब कि हमारी जो भी कलेक्शन होती है डेटा की या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम टेबल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमको उसको ऑब्जर्व करने में आसानी हो जाए। इन क्लास 6 इन योर प्रीवियस क्लास, अपने पहले क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो उसी चीज़ को आपको इसमें पढ़ना है। थोड़ी कुछ चीज़ें इसमें और ऐड हो जाएंगी, उसमें आपने मीन भी पढ़ा था और इसमें और कई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पहला जो टॉपिक आता है कि कलेक्टिंग डेटा, हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जितने भी डेटा हमारे पास क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, सबसे पहले उनको हम एक सारे को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमको जानना रहता है कि उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, यानी इन किस फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि अब उसको हम किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उसको हमें पढ़ने में समझने में आसानी हो। ओके, अब बेटा एक टॉपिक इसमें आती है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की, अरिथमेटिक मीन। मीन क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे पास डेटा दी रहती है उन सब का सम कर देते हैं और अपॉन क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मिल्क की क्वांटिटी दी गई है 20 लीटर, 60 लीटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 2 है, एक 20 लीटर और 60 लीटर। तो इसका मीन कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि मिल्क कितनी जगह पर है, 2, एक 20 लीटर है, 2 वेसल में, एक 20 लीटर है, एक 60 लीटर है। ठीक है, तो ये क्यों आ गया, 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। मीन का मतलब